increment and decrement operators, मतलब वैल्यू इंक्रीज करें या डिक्रीज करें उसके कोई और ऑपरेटर्स हैं तो वो क्या हैं, किस तरह के हैं। तो सी प्रोग्रामिंग है वो प्रोवाइड करवाती है यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हम इनको अलग से देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हमने पहले देखे थे, पहले लिखे थे, और वो ऑपरेटर्स क्या लिखे थे, वो वैल्यूज क्या लिखी थी, वो वेरिएबल्स क्या लिखे थे, तो उनको हम देखें। तो पहले हमने लिखा था num1 इक्वल टू num1 प्लस 1, पहले 5 लिखा था 1 लिख दिया, num1 प्लस इक्वल टू इक्वल 1, इन दोनों को हम पहले देख चुके हैं एक सेम है। इन्हीं को हम num1 प्लस प्लस, प्लस साइन है उसको दो बार लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से num1 इक्वल टू num1 माइनस 1, num1 माइनस इक्वल टू 1, इसको num1 माइनस माइनस लिख सकते हैं। ये यूनरी ऊपर वाला यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस है, नीचे वाला ऊपर वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, नीचे वाला यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर है या माइनस माइनस ऑपरेटर है। तो ये किस तरह से इसको लिखते हैं, तो प्लस प्लस ऑपरेटर को दोनों तरफ, जैसे यहाँ कोई सैम्पल एग्जांपल लिया है, ए नाम का कोई इंटीजर है उसके ए प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, उसको प्लस प्लस ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह से माइनस माइनस वाला देखें तो उसमें बी माइनस माइनस भी लिख सकते हैं और माइनस माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो इनको कैसे समझें, तो जो ए प्लस प्लस है उसको वो एक की वैल्यू एक से इंक्रीज कर देगा, मतलब एक की जो पुरानी वैल्यू है उसमें एक इंक्रीज कर देगा, और वो इंक्रीज करके नई वैल्यू एक की है वो एक को असाइन कर देगा जहाँ पर भी ए हमने लिखा है। प्लस प्लस ए है वो क्या करेगा, जो करंट प्रेजेंट में एक की जो वैल्यू है वहीं पे एक की वैल्यू बढ़ा देगा, मतलब एक की वैल्यू जो है उसमें एक इंक्रीज कर देगा। बी माइनस माइनस और माइनस माइनस बी, ये भी उन्हीं की तरह बी की वैल्यू में एक की कमी कर देंगी, एक बी की जो वैल्यू है उसको एक कम कर देंगी, और एक्सप्रेशन में जहाँ पर b है वहाँ पर वो कम की हुई वैल्यू काम में ले लेंगे, हो जाए आएगी। यदि b माइनस माइनस लिखा है, माइनस माइनस b लिखा है तो बाद में वो कम हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम जिसमें इस तरह की वैल्यूज प्रिंट करते हैं। तो ये c प्रोग्राम लिखा है जिसमें num एक वेरिएबल है, num को 5 असाइन कर दिया, उसको प्रिंट किया, num प्लस प्लस को प्रिंट किया, num को फिर से प्रिंट किया, इसी तरह नम को 5 असाइन किया, नम को प्रिंट किया, नम प्लस प्लस नम को प्रिंट किया और नम को प्रिंट किया। ये इसमें कमेंट्स को रिमूव करके देखते हैं तो ये थोड़ा देखने में आसान हो जाएगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं, इसको रन कर कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, रन कर इसका आउटपुट आएगा 5566। तो यहाँ पर क्या आता है, ये जो पहला प्रिंट स्टेटमेंट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा 5, क्योंकि 5 नम की वैल्यू थी, प्रिंट हो गई। तो नम प्लस प्लस है उसके लिए क्या होगा, उसकी वैल्यू नम की पहले वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए दोबारा नम को प्रिंट कर रहे हैं तो 6 प्रिंट हो रहा है। तो इस लाइन में नम की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, प्रिंट हो गया। इस तरह नम को फिर 5 प्रिंट असाइन कर दिया, प्रिंट किया तो 5 प्रिंट हुआ, प्लस प्लस नम 6 प्रिंट हुआ, मतलब प्लस प्लस पहले लगाने पर इसकी वैल्यू पहले इंक्रीज होगी उसके बाद में प्रिंट होगी, और बाद में नम को प्रिंट किया 6 है वैल्यू प्रिंट होगी। इस तरह से जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखाया है, डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस वाला, वेरिएबल से पहले लिखा जाता है, जैसे यहाँ प्लस प्लस नम लिखा है तो इसको प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं या प्री डिक्रीमेंट बोलते हैं। यदि इंक्री प्लस प्लस है तो प्री इंक्रीमेंट, माइनस माइनस है तो प्री डिक्रीमेंट, और ये वेरिएबल की वैल्यू को पहले कम या ज़्यादा करता है, उसके बाद में एक्सप्रेशन में काम में लेता है। जो प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट है ये
एक जो भी वैल्यू है वेरिएबल की उसको एक कम या ज़्यादा पहले करता है, देन उस वेरिएबल को काम एक्सप्रेशन में काम में लेता है जहाँ पर वो लिखा गया है। इसी तरह से जो वेरिएबल है उसके बाद में प्लस प्लस लिखा जाए या माइनस माइनस लिखा जाए, या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल के बाद में लगाया जाए तो उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट बोलते हैं। और ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट जो भी है, ये वेरिएबल की जो करंट वैल्यू है पहले उसको काम में लेगा, जैसे यहाँ 5 वैल्यू थी तो 5 को प्रिंट कर दिया, उसके बाद में उस वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, एक बढ़ाएगा या कम करेगा। एक सेंटेंस लिखा है, कमेंट लिखा है, व्हेन इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग ए वेरिएबल इन ए स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ द प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट फॉर्म्स हैव द सेम इफेक्ट। When variable appear in the context of a larger expression, pre-incrementing and post-decrementing, post-incrementing have different effects, and similarly for pre-decrementing and post-decrementing. मतलब क्या हुआ? तो हम कहीं भी कोई वेरिएबल लिखते हैं, कोई वेरिएबल हमने प्लस प्लस या ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए लिखा, यदि हम उसको पहले a++ लिखा बाद में नेक्स्ट लाइन में हमने एक्सप्रेशन में उसको a को काम में लिया, या a++ लिख के नेक्स्ट एक्सप्रेशन में काम में लिया, प्लस प्लस a लिख के काम में लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लिख दिया सेंटेंस पूरा हो गया, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब चाहे प्लस प्लस लेफ्ट तो प्री ऑपरेंड करवाया है या पोस्ट इंक्रीमेंट किया, प्री इंक्रीमेंट किया या पोस्ट इंक्रीमेंट किया, फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक्सप्रेशन के अंदर ही कहीं a++ या प्लस a लिख रहे हैं तो यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा, वैल्यू कम या ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि प्लस प्लस a लिख रहे हैं तो पहले वैल्यू इंक्रीज करेगा उसके बाद में उसको एक्सप्रेशन में काम मिलेगा। a++ लिखने का मतलब है पहले उसको एक्सप्रेशन में काम मिलेगा बाद में उसको इंक्रीज करेगा। अब इन कुछ ऑपरेटर्स की ऑपरेशन की कंडीशन देख लेते हैं। तो ऑपरेटर्स हैं प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और दोनों यदि पोस्ट फिक्स लेते हैं, पोस्ट फिक्स मतलब ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस, कोई वेरिएबल नाम नेम और उसके राइट साइड में प्लस प्लस या माइनस माइनस लिख देते हैं, तो ये राइट टू लेफ्ट करेंगे काम, पहले राइट में क्या लिखा है वो होगा, बाद में लेफ्ट वाला ऑपरेशन होगा, और ये पोस्ट फिक्स कहलाते हैं। इसी तरह से हम प्लस या माइनस टाइप की बात करते हैं, टाइप मतलब जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, प्लस फाइव लिखते हैं या माइनस फाइव लिखते हैं, तो फाइव और उसके पहले लेफ्ट साइड में प्लस लगाते हैं या फाइव और उसके लेफ्ट साइड में माइनस लगाते हैं, जो उसकी वैल्यू डिसाइड करता है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव वेरिएबल है। तो ये भी राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करते हैं, जैसे माइनस फाइव लिखा तो पहले फाइव को रीड करेगा और उसकी वैल्यू को नेगेटिव कर लेगा, तो ये राइट टू लेफ्ट ऑपरेटर होते हैं और ये यूनरी ऑपरेटर हैं। इसी तरह से लेफ्ट जो प्रीफिक्स जो हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो भी यूनरी ऑपरेटर हैं, राइट टू लेफ्ट काम करते हैं। इसके बाद में स्टार स्लेस और परसेंटेज, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर, गुणा भाग और शेषफल, ये मल्टीप्लिकेटिव टाइप के ऑपरेटर हैं और ये लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, मतलब पहले लेफ्ट वाला बाद में राइट वाला बाद में और राइट वाला। इसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, वो भी लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करते हैं, इनको एडिटिव ऑपरेटर कहते हैं। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, इनको रिलेशन ऑपरेटर्स कहते हैं। डबल इक्वल और एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल, ये लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, इनको इक्वलिटी ऑपरेटर्स कहते हैं। क्वेश्चन मार्क कोलन, ये भी ये राइट टू लेफ्ट काम करता है और इसको कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू, परसेंटेज इक्वल टू, ये राइट टू लेफ्ट काम करते हैं।